हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम्ब। किसमें दोस्तों आज के वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं आप अपने वीवो X60 प्रो के फ़ोन में लॉक स्क्रीन टच साउंड और जो है मैसेज किसी के पास सेंड करते हैं तो साउंड आता है, उस साउंड को ऑफ कैसे करेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ टच साउंड के बारे में। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। दोस्तों सेटिंग को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा जो है टच साउंड का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साउंड के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जो है स्क्रीन लॉक साउंड, जब आप अपनी स्क्रीन को लॉक करते हैं तो साउंड आता है, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आप अपनी स्क्रीन को लॉक करेंगे तो कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन कैप्चर्स टोन। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब जब आप अपनी स्क्रीन में स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने फ़ोन में तो उसमें जो है कैप्चर शॉट आता है, जो स्क्रीन की आवाज़ आती है, तो उसको भी आप यहां से आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहां से मैसेज सेंड साउंड, तो आप किसी के पास मैसेज सेंड करते हो साउंड आता है, तो आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे जो है यहाँ पे दिया हुआ टच साउंड, इसके बाद हो जाए जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउंड है दिया हुआ, तो सिंपली आप इनको ऑन भी कर सकते हैं और जो ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे डायल पैड जो है टच साउंड, जब आप अपने फ़ोन में डायल करते हो कीबोर्ड में, किसी के पास कॉल करते हो उस समय जो नंबर डायल करते हो किस समय, उस समय जो कैसी आवाज़ चाहिए आप यहाँ से सिंपली सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो फाइनली इस तरीके से आप जो अपने फ़ोन में साउंड सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन एक ऐसी धमाल मचाने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।